प्रीव्यू शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप ये प्रीव्यूज पहली बार देख रहे हैं, जस्ट साइन इन का मतलब यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ टिक है, जैसे आप देख सकते हैं पिच के नीचे टिक है, इसका ये मतलब है कि जो पिच है वो प्लेयर को सूट करती है। क्रॉस है मतलब वहां पे खराब है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस मतलब उस प्लेयर का स्पेसिफिक का फॉर्म खराब है। उसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा है एक अपॉर्चुनिटी मीटर ऑन द टॉप राइट एंड रिस्क मीटर ऑन द बॉटम राइट। तो अपॉर्चुनिटी मीटर जितनी ज्यादा ज्यादी उतनी ज्यादा अच्छा, मतलब प्लेयर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन द गेम। जैसे जयसवाल ओपनिंग करते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है, या अगर आप कोई ऑलराउंडर का प्लेयर कार्ड देखेंगे तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा होगी, एज लाइकली ज्यादा है कि वो ज्यादा खेलें। रिस्क मीटर एक मिक्स चीज है, बोलर्स के लिए ज्यादा हो तो बेहतर एंड बैटर्स के लिए कम हो तो बेहतर, क्योंकि अगर बैटर कम रिस्क लेता है मतलब आपको ज्यादा फैंटेसी वैल्यू दे सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विद जॉस बटलर। वाल अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है मतलब बाउंड्री बोनस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बट ये भी चांस है कि जल्दी आउट हो जाए। तो रिस्क मीटर जितना कम बेहतर फॉर द बैटर एंड जितना ज्यादा फॉर द बॉलर उतना बेहतर, क्योंकि अगर एग्रेसिव बॉलर है तो विकेट लेने के चांस ज्यादा। एंड रिस्क ड्रॉप का क्या मतलब है कि क्या सिचुएशन में आप इस बैटर को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दो कैन बी क्रैम्प विद बॉल्स क्लोज टू द बॉडी, मतलब अगर कोई पेसर है सामने वाली टीम में जो उस तरीके की बॉलिंग करता है तो आप चांस ले सकते हैं उस स्पेसिफिक बैटर पे। तो ये हुए मतलब इन स्पेसिफिक चीजों का, एंड अब चलते हैं प्रीव्यू की तरफ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला राजस्थान बनाम गुजरात, एंड ये खेला जाएगा द सवाई मानसिंह स्टेडियम इन जयपुर, जहां हमने देखे काफी गुड बैटिंग कंडीशंस एंड बहुत सारे रन। तो प्रीव्यू के एंड तक बने रहिए ताकि सारे इनसाइट्स आप तक पहुंचा पाए, और लाइक बटन जरूर हिट कीजिए टू स्टार्ट द वीडियो। विन प्रिडिक्शन इस गेम में राजस्थान रॉयल्स की तरफ, अनबीटन टीम ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में लगी है, तो ऑफ कोर्स वी विल बैक देम फॉर दिस वन। रेगुलर लीग्स आप ज्वाइन करेंगे जैसे हमने कल ज्वाइन किए थे, एंड होपफुली वही स्ट्रिक बरकरार रख पाए। अब चलते हैं आगे की तरफ एंड स्ट्रेट टू द टैक्टिकल कॉर्नर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वीक फेस फॉर आरआर है उनकी डेथ बॉलिंग, एंड वीक फेस फॉर आरआर है उनकी डेथ बैटिंग। तो वो दोनों फेजेस में आपके लिए कौन पेनिट्रेट करके दे सकता है। फॉर जीटी की बात की जाए तो मोहित शर्मा का वहां पे काम बन सकता है, एंड विद द बैट अगर मिलर खेलते हैं, टेवटिया खेलते हैं तो उन स्लॉट्स में उनका काम बन सकता है। अगर शाहरुख खान या अभिनव मनोहर खेलते हैं तो उन पर भी खास नजर बनाए रखना है, एज आरआर के पास डेथ बोलिंग की एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ दिख सकती है, आवेश और चहल के लिए, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर देखें जीटी की तो थोड़ी सी सस्पेक्ट है, स्पेशली क्योंकि मिलर लास्ट कुछ गेम से खेले नहीं है, विलियमसन कुछ खास टच में लगे नहीं, एंड शंकर एंड टेवटिया की फॉर्म अब तक आई नहीं, एंड बीआर शरद भी अभी खेलना शुरू किए हैं एट दिस लेवल। हेंस आई थिंक कि वो मिडिल ऑर्डर फेज में हो सकता है चहल एंड आवेश आपको विकेट्स निकाल के दे पाए। तो ये वही टैक्टिकल कॉर्नर, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप जब जीएल रोटेशंस करते हो ये चीजें आपके काम आ सकती है। अब चलते हैं आगे की तरफ, माई मास्ट 11 पे लेस एंट्री फी वाली लीग चल रही है, तो दूसरे ऐप्स पे अगर आप 5750 भर रहे हो 10,000 वाले हेड टू हेड के लिए, यहाँ भरोगे 5500, सो लोअर एंट्री फी। इंश्योर आप साइन अप करें, ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड इनका आप डेली इन्वेस्टमेंट लीडरबोर्ड भी चल रहा है जिसमें आप सिंपली जैसे हर रोज इन्वेस्ट करेंगे, जो भी दिन का हाईएस्ट इन्वेस्टर नवरात्रि स्पेशल में उनको मिलेंगे टॉप प्राइजेस, वो आप देख सकते हैं ऐप पे। गिव अवे भी चल रहा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, एंड रिमेंबर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगी, एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर बेल आइकन हिट करिए ताकि जो आगे के वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहे। क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर दिस गेम, नो सच थ्रेट, एंड एक बैलेंस पिच यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। काफी सारे रन, पहला जो गेम था वो डे गेम था, दूसरा गेम जो था आरसीबी वर्सेस आरआर का, वहां पे काफी ज्यादा रन देखने को मिले। आरसीबी ने 180 का ठीक ठाक स्कोर बनाया, बट आरआर ने इजिली चेस कर लिया। 200 देखे उस गेम में हमने कोहली एंड बटलर के। अब एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो साहा के लिए कहा गया था कि निगेल है, बट अब खेलेंगे कि नहीं वो देखने लायक बात होगी। उसके अलावा डेविड मिलर मे भी वापस आ सकते हैं, नहीं आएंगे तो केन विलियमसन रहेंगे उस स्लॉट में, अजमत ओमरजाई भी वापस आ सकते हैं, नहीं आए तो स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे। तो काफी सारी चीजें हम सारे प्लेयर्स डिस्कस करेंगे, एंड लेट्स सी कौन आते हैं फाइनली उस स्लॉट्स में। आरआर का फ्लो अच्छा चल रहा है, सो आई डोंट थिंक सो वो कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं स्ट्रेट टू द होम टीम, राजस्थान रॉयल्स, एंड वी स्टार्ट विद जॉस बटलर। फाइनली फॉर्म आ गया उनका इन द लास्ट गेम, एंड काफी अच्छे नंबर्स वर्सेस जीटी एंड जयपुर। एक टॉप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस, मैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस
प्लेयर कार्ड्स के समय पे ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आगे तक स्क्रॉल करके जाते हैं, सिर्फ वो 2 मिनट देखते हैं टीम का। टीम देखने के लिए आप आ रहे हैं तो उसके लिए आप खुद भी टीम बना सकते हैं, सिलेक्ट परसेंट देखिए, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। फिर चलते हैं आगे की तरफ। यशस्वी जायसवाल, जीटी के सामने नंबर्स कुछ खास नहीं, 13 का ही एवरेज, बट मोहम्मद शमी एक थ्रेट बनते थे उनके लिए, अब मोहम्मद शमी नहीं है सीजन, फॉर्म भी इनका कुछ खास नहीं है, नेट जयपुर भी नंबर्स थोड़े से एवरेज। तो जीएल में इन पे चांस ले सकते हो, बट जिस तरीके के प्लेयर हैं, बहुत ही हाई क्लास प्लेयर हैं, कभी भी फॉर्म वापस आ सकता है, तो स्मॉल लीग्स पे चांस नहीं ले सकते, स्पेशली क्योंकि शमी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास एक एक्सप्रेस जो एक्सपीरियंस पेसर उस तरफ है, क्योंकि उमेश का भी फॉर्म अप एंड डाउन ही चल रहा है। संजू सैमसन 32 की एवरेज वर्सेस जीटी 37 एंड जयपुर, अच्छे खासे नंबर्स, एंड राशिद का में भी थोड़ा सा थ्रेट बन सकता है, उसके अलावा आई थिंक एक अच्छा गेम इनके लिए भी यहाँ पे हो सकता है। रियान पराग वर्सेस जीटी कुछ खास कर नहीं पाए, बट इनका रीसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा, मैचअप सभी के लिए कुछ खास नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अब सीधा सीधा छोड़ दें, बट अभी के लिए क्योंकि नूर एंड राशिद दोनों होंगे सामने, मेरे हिसाब से मैचअप में भी उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिवली बैठे, सो लेट्स सी, अभी के लिए तो बेस टीम में नहीं रहेंगे, मे बी आफ्टर द टॉस अगर बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच यहाँ पे हुई तो मे बी मैं टीम में स्लॉट इन कर लूँ। शेमरन हेटमाया, बहुत ही खराब रिकॉर्ड इनका वर्सेस जीटी एंड वर्सेस जो जीटी के बॉलर्स हैं, तो अभी के लिए बेस टीम में नहीं रहेंगे, अगर आपको लग रहा है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, या अगर आपको लग रहा है कि अप फ्रंट कुछ हेल्प होगी एंड विकेट जल्दी गिरेंगे, तो आप लोअर ऑर्डर में इनसे कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डेथ बोलिंग मोहित शर्मा के अलावा कोई खास है नहीं उस तरफ, बट वापस ये एक जीएल सिनेरियो होगा, बेस टीम में इन्हें भी नहीं ले पाओगे। ध्रुव यूरल, ये भी एक जीएल पे, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे कीपिंग ऑप्शन है इस गेम में, सो ऑफ कोर्स आप बेस टीम में फिट नहीं कर पाओगे, प्लस कीपिंग करेंगे सैमसन, तो कीपिंग पॉइंट्स की भी आशा इनसे नहीं रख पाओगे। रविचंद्रन अश्विन जीटी के सामने 5 मैच में एक भी विकेट नहीं, एंड ये एक जो चीज है जीटी के पास, एक से एक स्पिन का अच्छा खिलाड़ी है, एंड अश्विन थोड़े से डिफेंसिव स्टाइल के बॉलर है, तो हो सकता है 20-25 रन दे के सिर्फ देंगे बॉलिंग में, एंड इकोनॉमी के पॉइंट्स दे जाएंगे, बट विकेट्स हमने ऑफ लेट लास्ट कुछ सीजन में वो दिन के लिए रुके हुए हैं कि अश्विन 3-4 विकेट एक दिन पे ले ले, क्या पता कर ले लें, बट अब तक तो ऐसा हुआ नहीं। एंड एक और जो चीज है, साई सुदर्शन अगर ओपनिंग करते हैं, पॉसिबल है कि अश्विन कम्स अप स्ट्रेट अगेंस्ट हिम, तो उस सिनेरियो का ध्यान रखिए, एंड सेकेंड बॉलिंग में मैं अश्विन को बिल्कुल कंसिडर करूंगा। एट जयपुर 14 मैच में 10 विकेट, सो पर गेम एक भी विकेट नहीं ले रहे हैं, सो हेंस जीएल नहीं ले पाओगे, बेस टीम में लेना सा मुश्किल हो जाएगा अनलेस सेकंड बॉलिंग करें। आवेश खान सेकंड बॉलिंग में बहुत ही अच्छे ऑप्शन, एंड जीटी के सामने भी एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन, क्योंकि जीटी का जो मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है, एंड ये ऐसे बॉलर हैं जो मिडिल ओवर्स फेजेस में ही बॉलिंग करते हैं, सेकंड बॉलिंग में डेफिनेटली इन्हें मैं ट्राई करूंगा इवन इन माई बेस टीम। संदीप शर्मा अगर खेलते हैं ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं, पर जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं ज्यादातर फुल यॉर्कर्स डालते हैं, उस लेंथ पे विकेट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये आप इनके नंबर्स में भी देख सकते हो, 8 मैच में सिर्फ 4 विकेट एट जयपुर, एंड वर्सेस जीटी भी 3 मैच में सिर्फ 2 विकेट, तो बेस टीम में तो इन्हें भी लेना मुश्किल रहेगा। ट्रेंट बोल्ट अच्छे खासे नंबर्स, प्लस सामने होंगे गिल या तो उसके साथ साई सुदर्शन या साहा, दोनों को वहां पे डोमिनेट कर सकते हैं ये, एंड 4 मैच में सिर्फ 3 विकेट वर्सेस जीटी एंड एट जयपुर 6 मैच में 4 विकेट, बट ये मेरे लिए एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस बिल्कुल बनेंगे, स्पेशली इफ ही बोल्स फर्स्ट। लास्ट गेम में वर्सेस फैफ एंड कोहली इतना हेल्प नहीं मिला था, बट मैं कह रहा हूँ कि अभी भी ये कुछ निकाल सकते हैं फ्रॉम द पिच, एंड सामने जिन तरीके के बैटर्स हैं बिल्कुल उन्हें डिसीव कर सकते हैं। फिर है युजवेंद्र चहल, यहाँ पे 5 मैच में 4 विकेट्स इन फ्रंट ऑफ जीटी एंड एट जयपुर 13 मैच में 18 विकेट्स, जैसे मैंने कहा मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है, एंड वहां पे आवेश एंड चहल आएंगे, दोनों डोमिनेट कर सकते हैं, ये भी एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस, स्पेशली अगर ये सेकेंड बॉलिंग करते हैं, ड्यू का कंसर्न नहीं रहे। तो ये हुई आरआर की टीम की बात, अब चलते हैं जीटी की तरफ, उसके पहले इन्वेस्टमेंट लीड बोर्ड चल रहा है, माई मास्ट 11 कैसे जीत सकते हो, जैसे आप ज्यादा लीग ज्वाइन करेंगे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए, आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलते गुजरात टाइटंस की तरफ, शुभमन गिल, यह भी एक अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस, स्पेशली अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में मूवमेंट नहीं है, तो फिर उस केस में बोल्ड को नहीं रख के आप इनको रख सकते हैं सीवीसी, एंड वर्सेज आर आर 12 मैचेस 372 रन, सो अच्छा खासा एवरेज, एंड एट जयपुर भी ठीक ठाक काम इन्होंने किया है। रिद्धिमान साहा, ये ऑफ कोर्स एक जीएलपी की बनेंगे, अगर खेले ना खेले जिस भी तरीके से, आज सामने होंगे बर्गर एंड बोल्ट, एंड दोनों अच्छी खासी पेस से डालेंगे, सो आई डोंट थिंक इजी रहेगा इनके लिए, एंड कीपिंग सेक्शन में आपके पास ऑलरेडी बटलर एंड सैमसन है, तो बेस टीम में तो आप इन्हें
नहीं ले पाओगे। साई सुदर्शन बहुत ही स्टेबल प्लेयर वर्सेस जीटी वर्सेस आरआर, एक मैच में 20 रन। मेरे हिसाब से अश्विन सेम स्टेट के लिए खेलते हैं तो एक दो ट्रिक तो होगी, जिस तरीके से हम अश्विन को जानते हैं। आप स्लीव फॉर साई सुदर्शन डेफिनेटली, जिस तरीके से खेलते हैं आप बेस टीम में ने रखेंगे, थोड़ा आपको फैंटेसी वैल्यू देके जाते हैं। स्टार्टिंग में आराम से खेलते हैं, स्ट्राइक भी अच्छे से रोटेट करते हैं, बट मे बी सेकेंड बैटिंग में इस गेम में उनपे चांस ले लो, स्पेशली अगर ज्यादा ड्यू नहीं है अश्विन वहां पे गेम में आ सकता है। डेविड मिलर अगर खेलते हैं अच्छी चॉइस बनेंगे, स्पेशली फर्स्ट बैटिंग में अच्छी फिनिश आपको आके दे सकते हैं। 10 मैचेस में 379 रन, सो ठीक ठाक नंबर्स वर्सेस दिस टीम। केन विलियमसन रीसेंट फॉर्म कुछ खास लगा नहीं है, एंड स्पिन इन्हें ट्रबल कर सकती है, चहल आके इन्हें थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इन द फेज 2 मैचेस 76 रन, पहली बैटिंग में मैंने बेस टीम में रखूंगा, एलसीए सिर्फ एक जीएल पिक ही बन के रह जाएंगे। अच्छी बैटिंग कंडीशन में ले सकते हैं, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना इनकी बैटिंग अब तक देखी है। अजमतुल्ला उमरजाई अगर खेलते हैं तो सीधा मेरे बेस टीम में आ जाएंगे, एज विद द बैट एंड विद द बॉल आपको वैल्यू दे देंगे। ऐसे टाइप के प्लेयर्स को छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे 30 to 40 पॉइंट दे के जाते हैं, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ज्यादातर समय ऐसे प्लेयर्स ड्रीम टीम में बिल्कुल आ ही जाता है। विजय शंकर बेस टीम में नहीं रहेंगे, जीएल में भी एक या दो टीम में रहेंगे आउट ऑफ 20, कुछ खास फॉर्म लगा नहीं इनका। एंड हमने लास्ट ईयर देखा था कि जब फॉर्म आया तो सडनली एक के बाद एक पारी खेलने लग गए, बट अब तक वो समय आया नहीं, एटलीस्ट दिख तो ऐसा ही रहे। सो बेस टीम में जगह नहीं नहीं मिल पाएगी, ना ही मिल पाएगी राहुल टेवटिया को। ये सेकेंड इनिंग्स फिनिशर्स के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में कंडीशन बेहतर हो जाती है फॉर बैटिंग, तो लेट्स सी कैसे करते हैं। एक जो ऑब्जर्वेशन जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ थोड़ा सा आगे, जब हम मैचअप्स की तरफ चलेंगे, राशिद खान बहुत ही अच्छे नंबर्स इनकी है वर्सेस आ रहा है। 13 मैचेस 15 विकेट्स एट जयपुर, 3 मैचेस 5 विकेट्स, अगेन एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस, स्पेशली अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में मैंने देखा है कि सामने वाली टीम इन्हें खेल के निकालती है, तो वहां पे ज्यादा विकेट्स इन्हें मिल नहीं पाते। उमेश यादव बेस टीम में जगह नहीं मिल पाएगी, सामने है जायसवाल एंड बटलर, बटलर अभी अच्छे फॉर्म में, सो आई थिंक इन्हें खेल के निकालेंगे। सिर्फ एक दो जीएल टीम में इनको ले लेना, जहां पे आपको लग रहा है कि जायसवाल बटलर दोनों जल्दी आउट हो जाए, ऐसा हो सकता है, बट बेस टीम में तो इन्हें भी नहीं ले पाएंगे। मोहित शर्मा फर्स्ट बॉलिंग में डेफिनेटली ले लेंगे, क्योंकि फिर डेथ ओवर्स आपको मिल जाएंगे, बट कुछ खास नंबर्स नहीं। 10 मैच में 9 विकेट्स वर्सेज आर आर एंड जयपुर, 5 मैच में 2 विकेट्स, तो फर्स्ट बॉलिंग में बेस टीम में रहेंगे, सेकेंड बॉलिंग में मे बी नॉट, बट फॉर्म अच्छा खासा है इनका। स्पेंसर जॉनसन कुछ खास लगे नहीं अब तक इन कंडीशंस में, एक आध अच्छा ओवर डाला है, बट उसके अलावा इतना इंप्रेस कर नहीं पाए हैं। अगर आपको लग रहा है बड़ी चेज में विकेट्स ले जाएंगे तो अलग बात है, एल्स इनकी बॉलिंग कुछ खास अब तक सर्टेन रही नहीं है। एंड फाइनली नूर अहमद सेकेंड बॉलिंग में डेफिनेटली मेरी बेस टीम में जगह मिलेगी इन्हें, एज आरआर का जैसा मिडल ऑर्डर है, काफी अटैकिंग है, बट उसका ये भी मतलब है कि विकेट्स ये निकाल के आपको दे सकते हैं, ये भी काफी एक अग्रेसिव बॉलर है। जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं पराग सैमसन, ऐसे टाइप के प्लेयर्स हैं जो उस आर्क में खेलना पसंद करते हैं, तो विकेट बनाने के चांस ये निकाल सकते हैं। ये अच्छी काफी डिसेप्टिवली बॉल को दोनों तरीके से स्पिन करते हैं, तो हेंस इन पे एक नजर बनाए रखिए। अब आज के मैचअप्स की बात की जाए तो जॉस बटलर वर्सेज राशिद खान 4 बार आउट हुए हैं, 50 और 72 स्ट्राइक रेट काफी खराब, बट एक जो चीज है कि बटलर जब तक आते हैं, जब जब तक राशिद आते हैं, बटलर के एटलीस्ट 20-30 रन बन गए होंगे, तो ये ऐसा है कि आप अगर सीवीसी नहीं बनाना है तो वो हिसाब से सोच सकते हैं, बट ऑफकोर्स बेस टीम से ना आप बटलर ना गिल को ये स्पिनर की मैचअप्स के बेसिस पर ड्रॉप कर पाओगे। एक इंटरेस्टिंग मैचअप गिल वर्सेज आवेश, 45 और 39 एंड 2 डिसमिसल्स, तो स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में अगर आपको लग रहा है एक बड़ी चीज होगी, चेज होगी, गिल को समय नहीं मिलेगा एट द स्टार्ट, तो ये मैचअप तब बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। एंड बोल्ट वर्सेस साहा 40 ऑफ 31 एंड 3 डिसमिसल, वेरी हाई चांस ये फिर से एक्टिवेट हो जाए अक्रॉस बोथ इनिंग्स। अब बनाते हैं हमारी आज की, तो अब बात की जाए हमारे कीपिंग सेक्शन की। विल स्टार्ट स्ट्रेट फ्रॉम यर, संजू सैमसन एंड जॉस बटलर होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। इन द बैटिंग सेक्शन शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड यशस्वी जायसवाल तीनों रहेंगे इस टीम में। केन विलियम्सन अगर पहले बैटिंग करते हैं तो बिल्कुल इन्हें भी कंसिडर करिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में अभी के लिए मैं कोई भी पिक पे श्योर नहीं हूँ, एज कोई भी सर्टनिटी नहीं अगर अजमतुल्ला उमरजाई खेलेंगे कि नहीं। अश्विन सेकंड बॉलिंग करते हैं तो ले लूंगा, एल्स रियान पराग को ले लूंगा। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में से बोल्ट, चहल, राशिद ये होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। एंड यहाँ पे मोहित अगर पहले बॉलिंग करते तो उन्हें लिया जाएगा, एल्स नूर को लिया जाएगा, तो वन ऑफ दीज टू प्लेयर्स बेस्ड ऑन द टॉस सिनेरियो। अब यहाँ पे आपकी बचती हैं 2 स्लॉट्स, आप 2 स्लॉट कैसे भरेंगे ये हम डिस्कस करेंगे।
सो वन बिटवीन पराग एंड अश्विन, ऑफ कोर्स अश्विन सेकंड बॉलिंग करते हैं तो थोड़े ज्यादा कन्विंसिंग हो जाते हैं उस सिनेरियो में, वाइल पराग भी पहले बैटिंग करते हुए अच्छे पिक बनते हैं। सो थोड़ा सा वो डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि अगर पराग पहले बैटिंग करते हैं इसका ये मतलब है कि अश्विन सेकंड बॉलिंग भी करेंगे, तो वो थोड़ा सा डबल एज स्वॉर्ड बन जाता है। अजमतुल्ला उमरजई अगर खेलते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक बन जाते हैं, चाहे पहले बॉलिंग करें सेकंड बॉलिंग करें, डजंट मेक अ डिफरेंस। एंड इन केस अजमतुल्ला उमरजई डजंट प्ले तो आप वो सिचुएशन में जा सकते हो विद केन विलियमसन, कि स्टेबल प्लेयर है, एटलीस्ट 20-25 रन जनरली तो मार के जाते हैं, तो थोड़े से सेफ चॉइस बन जाते हैं। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस की बात की जाए तो कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक नहीं है इस गेम में। एंड नहीं, मैं भूला नहीं, जो प्लेयर कार्ड्स मैंने आपको बताया था वहीं पे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस आपको दिख जाएंगी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ तक स्क्रॉल करके आए होंगे सिर्फ ये चीज देखने के लिए। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं पूरा प्रीव्यू, वहां पे डिस्कस किया गया है। एंड ऑफ कोर्स ऑन टेलीग्राम जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे फाइनल टीम पोस्ट की जाएगी। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू। उसके अलावा जीएल ऑप्शंस की बात की जाए यहाँ पे, तो हेटमायर अगर पहले बैटिंग करते हैं कंसिडर करेगा, डेविड मिलर बैटिंग फर्स्ट एंड ऑफकोर्स अगर खेलते हैं तो। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो यहाँ पे राहुल टेवर्टी एक अच्छी फिनिश दे सकते हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। एंड मोहित शर्मा है बोलिंग फर्स्ट, जीएल सीवीसी चॉइस बन जाते हैं। नंद्रे बर्गर है बोलिंग फर्स्ट, आप बेस टीम में रख सकते हैं। सेम फॉर उमेश यादव एंड आवेश खान है बोलिंग सेकंड, विल बी इन योर बेस टीम। तो ये रहे हमारे आज के पिक्स। एक और जो ऑब्जर्वेशन आपको बतानी थी वो ये थी कि बॉल थोड़ी सी लो स्टे कर रही थी इन द फर्स्ट इनिंग्स जब चहल बॉलिंग कर रहे थे। अगर आप जाके हाईलाइट देखेंगे तो कोहली के सामने कुछ बॉल वहां पे लो रह रही थी, तो वापस ये चीज बिल्कुल हो सकती है इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करे उनके बैटर्स थोड़े संभाल के लीजिएगा, ट्राई टू गो मोर फॉर द स्टेबल पिक्स। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड रिमेम्बर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। जो भी फाइनल टीम्स है अपडेट्स है वहीं पे मिल जाएंगी। एंड लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जो भी आपको करना है वही करिए। एंड एक्सचेंज 22 पिक्स की भी बात की जाए, एज आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वो कर लेंगे बिफोर गोइंग। सो फ्रॉम राजस्थान अगर जॉस बटलर पहले बैटिंग करते हैं डेफिनेटली इन्हें आप पिक कर सकते हैं। संजू सैमसन एक ठीक ठाक चॉइस है बट काफी ओवर प्राइस है। ट्रेंट बोल्ट इफ बोलिंग फर्स्ट आप ले सकते हैं, एंड युजवेंद्र चहल स्पेशली बोलिंग सेकेंड, सेम फॉर आवेश खान। जीटी की बात की जाए तो मोहित शर्मा है बोलिंग फर्स्ट, मैं जरूर उन्हें लूंगा। राशिद खान इफ इज बोलिंग सेकेंड, एंड बस आई थिंक यही होंगे आज के हमारे सही पिक्स। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए।